हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं एक बाइक ट्रेल पर। अमूमन हम अक्सर इस बाइक ट्रेल पर आते हैं और इस ट्रेल का नाम है कोलंबिया बाइक ट्रेल। तो आइए चलते हैं इस बाइक ट्रेल पर और ऑन द वे नज़ारे जो बाइक ट्रेल के हैं वो हम लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मोस्टली इस पर जो है वो बाइक सवार और पेडेस्ट्रियन ही आते हैं, कार्स इस पर अलाउड नहीं है। ये हमारे यहाँ का स्टॉप एंड शॉप और मेरे साथ है लीलिया वेटिंग फॉर मी। सो इसके कुछ कोलंबिया ग्रीन वे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। फैमिलीज़ और बच्चे मोस्टली आप यहाँ देख सकते हैं बाइसाइकिल और रन करते हुए। ओ बाइक राइड पर, ये मैसाचुसेट से होती हुई कनेटिकट जाती है ये ट्रेल। इस तरह के नज़ारे हमको मिलते रहेंगे ऑन द वे। समर का वक्त है और हरियाली जो है वो अपने पीक पर है। इस वक्त बच्चों के जो स्कूल हैं उनकी छुट्टियां हैं, अगस्त से फिर बच्चों के सेशन शुरू हो जाएंगे। हाय सर, लोग मिलते जाएंगे, हाय हेलो होती रहेगी ऑन द वे। कुछ लोग बाकी स्पीड में है और कुछ बच्चों के स्ट्रॉलर लेकर निकले हुए हैं। बात ये कि इस ट्रेल पर किसी भी तरह के वाहन का आना जाना नहीं है, जिससे कि आप बिंदास अपना साइकिल चला सकते हैं। ये देखिए भाई साहब निकले हुए हैं साइकिल लेकर, अभी लंबी दूरी पर निकले हुए हैं लगता है देखकर। तो देखिए कितनी मस्त ट्रेल है हमारी और शहर के बीच से होकर ये ट्रेल जाती है। जंगल जैसा आपको दिखाई देगा दोनों तरफ से, जबकि ये शहर के बीचों बीच है। ये कुछ शॉप्स के बैकग्राउंड की गतिविधियाँ और आगे जो है वो एक टोबैको फार्म है, यहाँ पर तंबाकू की पैदावार होती है। ये है हमारे अमेरिकन किसान, आगे से और थोड़ा बेटर व्यू मिलेगा, हम लोग वहाँ से देखते हैं। एक बड़ी ही खूबसूरत सी नदी बहकर निकलती है बीच से।
ऑन द वे कुछ सेकंड्स का हम स्टॉप लेकर व्यू लेते हैं। तब तक लिलिया भी वीक पीछे हमको कवर कर लेगी। ये तंबाकू की खेती बहुत ही उन्नत तरीके से की जाती है। जो तंबाकू हमारे यहाँ जंगलों में पैदा होता है वो यहाँ पर उगाया जाता है। देखिए टोबैको, ये देखिए टोबैको फार्मिंग, वो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही ये सब तंबाकू की खेती है और ये तंबाकू के पेड़ लगे हुए हैं। तंबाकू हमारे यहाँ जनरली मैंने देखा है मध्य प्रदेश में तंबाकू जो है उनकी पत्तियाँ वो वनों से निकाली जाती थी, ली जाती थी, लेकिन यहाँ पर ये कृषि होती है उसकी प्रॉपर तरीके से, उसका लाइसेंस लेना होता है। मोस्टली जो ड्रग्स या हर्बल्स की फार्मिंग के लिए लाइसेंस लगता है, लोग टबैको और वीट मैरिजुआना इस तरह की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करते हैं और उसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना होता है। साथ साथ में जंगल के नज़ारे आपको, सारे जो पेड़ हैं वो सब मोस्टली आपको सीधे ही नज़र आएंगे। नदी का ये इसको लिटिल रिवर कहते हैं हमारे, एनी आई फॉल डाउन ऑन द वे रिकॉर्ड करते हुए अभी जस्ट मैं गिर गया और मैंने अपने घुटने में अच्छी खासी चोट कर ली दोनों तरफ और हाथ पर भी। सो अभी हम वेट कर रहे हैं लिलिया का, पीछे रह गई वो। वाओ यू फाउंड द मेडिसिन? यप। रियली? या। वेट 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 वेट, यू वॉश इट? हाउ यू? नो नीड टू वॉश इट, जस्ट ऑफ कोर्स। आउ Like hold it will it. Be stay there. Hold it? How it will be stay? Just hold for a few minutes. Okay, how I can hold it? Yes, it's holding itself. Hold it. Okay. Medicinal treatment going on. But how you will tie? Do you have the anything? Yes. Wait. Okay, just put on throw. Jungle ka ilaaj. No need so big. Why not? Why you want to break my scarf? Okay. तो देखा आपने फिल्मों में देखा होगा आपने ये। अरे यार। Put aside do your bike. और इसके अलावा मेरा जो गिम्बल था कैमरे का वो भी टूट गया। Thank you. Yeah. It's yours. Oh, it's mine. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन शुक्र है बाइक मेरी नहीं टूटी। We almost came half way. और यहाँ पर एक ब्रेक हम लोग ले रहे हैं। हर्बल ट्रीटमेंट गोइंग ऑन। और मैंने अपने दोनों ही घुटने ब्रूस कर लिए हैं। ऑन द वे थोड़ा व्यवधान हुआ, इसके बाद आगे की साइकिल राइडिंग हम जारी रखते हैं। और आज हमने डिसाइड किया था कम से कम 30 से 40 किलोमीटर साइकिल चलाने का,
लेकिन अभी चोटों को देखकर लगता नहीं कि इतना हो पाएगा। फिर भी हम मैसाचुसेट्स से निकलकर कनेटिकट तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे, ठीक है। तो अभी रोड क्रॉस करके हमको जाना है नेक्स्ट। ऑल द वे डाउन, लेट्स गो। शाम के 4:45 हुए हैं इस वक्त और आज कुछ क्लाउडी वेदर है, अदरवाइज सनी बना हुआ था पिछले कई दिनों से। ब्रेक हम लोगों ने लिया ऑन द वे, तीसरा ब्रेक हमारा, और बस इसी पे हमको आगे बढ़ते जाना है और हम पहुंच जाएंगे एक दूसरे स्टेट में। गिरड़े की वजह से मेरा गिम्बल टूट चुका है, लेकिन शुक्र है बाइक मेरी बच गई। हैव अ गुड डे। थैंक यू, यू टू। देखा, दोनों अंकल आंटी मिलकर राइडिंग कर रहे हैं बाइक की, तो इस पर कई बार आपको बहुत यूनिक यूनिक बाइक्स भी देखने को मिल जाती है इस रोड पर, ट्रेल पर। ये हमारा फोर्थ स्टॉप है साउथ बेक ट्रेल का। ट्रेल स्ट्रेट जाती है यहाँ से कनेटिकट स्टेट में, और अभी भी हम लोग मैसाचुसेट्स में ही है। आगे की यात्रा जारी रखते हैं। ले लिया, लेट्स गो। सो ऑन द वे अंडर द ब्रिज, और ये कुछ चित्रकारी की गई है। हेलो इकोइंग, हाउ फार इज पॉन्ड? इज नॉट फार। ओके, तो हम लोग हाउ मेनी माइल्स वी ऑलरेडी डन? सात बजने में है 10 मिनट और अभी भी हमारी राइडिंग जारी है। व्हाट दिस प्लेस? राइडिंग हुज बेस्ट इज दैट? ओके, सो वी नियर बाय नियर द लेक, या ऑलमोस्ट द लेक, या लेट्स लेट्स गो। Put the push button. बाइक में ईयर डालने के लिए हम लोग रुके हैं ऑन द वे। ये सब अरेंजमेंट है और फैसिलिटीज़ इफ़ यू वांट टू गो। अभी डालते हैं हवा। ओके, you can fill the front one, something is why
You better not to take it out. So bikes, cycle में हवा फुल कर ली गई है और अब आगे बढ़ते हैं. शाम का कुछ इस तरह का मंज़र बना हुआ है. बेसिकली ये जो है आपको रूरल एरिया है, खेत है और उगती हुई फसलें हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. और ये एक कृषि फॉर्म, ये मक्का है, वो चार घर हैं, गोडाउन जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के लिए काम आते होंगे, प्रोड्यूस के लिए. इसके बाद जो सब्जियां लगी हुई हैं और इसी तरह के नज़ारे इस ट्रेल पर हैं, बने हुए हैं. मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता जा रहा हूँ. चलिए चलते हैं. लिलिया वहाँ वेट कर रही. आज की बाइक ट्रेल हम यहीं तक करते हैं. ये रेड बाइक, इसके आगे भी है येलो बाइक और इसके आगे भी ट्रेल है. ऑलरेडी हम लोग तकरीबन 20-25 किलोमीटर राइड कर चुके हैं यहाँ तक, और वापस फिर 25 किलोमीटर हमको जाना है. वापस चलते हैं. और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा. और वैसे तो हम लोग क्या हर हफ्ते यहाँ पर ट्रेल के लिए आते थे, लेकिन सोचा कि इतना अच्छा माहौल है तो क्यों ना आज आपको ये हमारी ट्रेल दिखा दी जाए. सर राइड, हाउ यू फीलिंग लीलिया? वी आर वॉचिंग एक्चुअली, वी जस्ट स्टॉप बाई द डॉग्स देयर. सो मैनी डॉग्स दे कीपिंग एंड मे बी दे सेल देम. फॉरेस्ट की ब्यूटी देखते ही बनती है. सारे पेड़ जो हैं एकदम सीधे सपाट. कहीं आपको टेढ़े आड़े पेड़ नहीं मिलेंगे. तो ऑलमोस्ट ये सुनसान ही है पूरी बाइक ट्रेल. और इस वक्त शाम के 6 बजे हैं. बहुत ही खूबसूरत मंजर ऑन द वे. आज की ये बाइक ट्रेल राइड आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा. और आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा शो करने के लिए कुछ है नहीं वीडियो में कंटेंट. तो जो रेगुलर लाइफ हम लोग यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं वही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं. और अब आपको कितनी पसंद आती है नहीं आती है वो आप मुझे लिखिएगा, कॉमेंट्स करिएगा. और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा.